दोस्तों, अगर अगले महीने अगर आप वापस से मई के महीने में 10,000 रुपये का डिपॉजिट करते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और इस समय आपको 118.33 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, ये 20,000 रुपये के डिपॉजिट अमाउंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें पीपीएफ या ईएलएसएस इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए अपने गोल्स के हिसाब से। एक तरफ है हमारे पास पीपीएफ, जो कि गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, जिसमें आपका पैसा 15 साल तक लॉक्ड इन रहता है। दूसरी तरफ है ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो कि मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स आपको देता है, जिसमें आपका पैसा 3 साल तक लॉक्ड इन रहता है। दोस्तों, मैं आपको एक्सेल फाइल एग्जाम्पल्स के जरिए ये दिखाऊंगा कि पीपीएफ में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईएलएसएस में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, और किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने पीपीएफ अकाउंट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको पीपीएफ एक्सेल कैलकुलेटर का डाउनलोड लिंक भी बताऊंगा, ताकि आप अपने पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सको। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि पीपीएफ अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, और इन दोनों स्कीम्स में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए आपके गोल्स के हिसाब से। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस वीडियो में फिनकेएलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकेएलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों, एक्सेल फाइल कैलकुलेशन को देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, जिसमें आपका पैसा 15 साल तक लॉक्ड इन रहता है। और दूसरी तरफ ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स आपको देते हैं, जिसमें आपका पैसा 3 साल तक लॉक्ड इन रहता है। दोस्तों, ये दोनों ही स्कीम आपको मदद करती है अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों, पीपीएफ में एक कंडीशन है कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा हर महीने, जो कि हम अपने एक्सेल फाइल एग्जाम्पल कैलकुलेटर में भी देखेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ ईएलएसएस में ऐसा कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स पा सकते हो। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की यह है कि सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही क्लेम कर सकते हो। अगर आपने पीपीएफ में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और ईएलएसएस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का ही डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलेगा एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पीपीएफ EEE कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने पीपीएफ के अकाउंट में, वो अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम एनी इनकम टैक्स, यानी कि जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हो वो आपका इनकम टैक्स बचाने में आपकी मदद करता है। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके पीपीएफ के अकाउंट में, वो भी एग्जेम्प्टेड रहता है फ्रॉम इनकम टैक्स। और तीसरी चीज, जो भी आपका पीपीएफ का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 15 साल के बाद, वो भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड रहेगा फ्रॉम इनकम टैक्स। तो दोस्तों, इसी हिसाब से पीपीएफ जो है वो बिलोंग करता है EEE कैटेगरी को। लेकिन दूसरी तरफ जो ईएलएसएस है, ये EEE कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता। जो भी आप डिपॉजिट करोगे ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड में, वो आपको मदद करेगा अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के द्वारा। लेकिन जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों, वो टैक्सेबल होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के द्वारा, LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के द्वारा। अगर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका जो रिटर्न्स है वो 1 लाख के ऊपर है, तो 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पे आपको 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। दोस्तों, तो इसी हिसाब से आपका जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है, उसके रिटर्न्स में आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यह है कि पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है, वो एवरी क्वार्टर रिव्यू होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में, वो चल रहा है 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट। दूसरी तरफ जो ईएलएसएस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, तो इसके रिटर्न जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। यूजुअली दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आपको आराम से 10 से लेकर 12% तक का एनुअल रिटर्न्स मिल सकेगा आपके ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां तक पीपीएफ और ईएलएसएस का सवाल है। एक तरफ पीपीएफ, जो कि एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है, जिसके रिटर्न्स गारंटीड होते हैं। दूसरी तरफ ईएलएसएस, जिसके रिटर्न्स मार्केट रिलेटेड होते हैं, ये थोड़े से रिस्की होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो,
तो ये माना जाता है कि जो ELSS म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं, ये यूजुअली 10-12% का एनुअलाइज रिटर्न्स देते हैं, जो कि PPF से बहुत ही बेहतर है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में कहते आ रहा हूँ, आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए जिसके हिसाब से आप एक पर्टिकुलर स्कीम को चूज करेंगे। अगर आपका गोल 15 साल तक के लिए है और आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए तो आपको PPF के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये गारंटीड रिटर्न भी देंगे और 15 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन रहेगा। और अगर आपका मीडियम टर्म गोल है, यानी कि अगर आपका गोल 5 से 6 साल तक के लिए है, तो आप एक अच्छा सा ELSS म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, ताकि आप अपना इनकम टैक्स भी बचा पाओ प्लस आपको थोड़े से अच्छे रिटर्न भी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने PPF के एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने PPF का एक्सेल फाइल कैलकुलेटर ओपन किया है, तो यहाँ पे आपका ये जो बैलेंस है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने मंथ्स के लेबल लिए हुए हैं, तो अप्रैल से लेके मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे आपके डिपॉजिट्स आएंगे, यहाँ पे अगर आपने 5 तारीख से पहले या 5 तारीख के बाद डिपॉजिट किया है वो वाला लेबल आएगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिया है मैंने 7.1% का, जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ये चेंज हो, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपना अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा और यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि PPF के कैलकुलेटर में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो समझो अगर आपने अप्रैल के महीने में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो 5 तारीख से पहले किया हुआ है, तो 7.1% के हिसाब से दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो 59.16 होता है। तो ये वाला कैलकुलेशन कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि है आपका इंटरेस्ट रेट, आप मल्टीप्लाई करोगे उसको अमाउंट से और डिवाइड करोगे उसको 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये महीने का इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट रेट लिया है वो साल का इंटरेस्ट रेट लिया है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि 7.1% का जो साल का इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करना होगा और महीने का इंटरेस्ट रेट लाना होगा। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है 59.16 रुपीस का, ये कैसे मिला है। तो कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे कि ये जो 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले हम उसको मंथली इंटरेस्ट रेट लाएंगे, जो कि हम डिवाइड करेंगे इस चीज को 12 से। तो हमें ये मंथली इंटरेस्ट मिल गया दोस्तों। अब इस मंथली इंटरेस्ट को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि है 10,000 रुपीज का अमाउंट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से और फिर हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे उसको 100 से। तो दोस्तों जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 100 से, हमको जो नंबर मिलेगा दोस्तों वो होगा हमारा इंटरेस्ट। तो ये 59.16 रुपीज का इंटरेस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है दोस्तों। दोस्तों अगर अगले महीने अगर आप वापस से मई के महीने में 10,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और इस समय आपको 118.33 रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, ये 20,000 रुपए के डिपॉजिट अमाउंट पे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका ये जो बैलेंस है 20,000, इस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया दोस्तों। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि 5 तारीख या उससे पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। अगर आप 5 तारीख के बाद करते हो तो आपको अगले महीने से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो मैं ये क्या करता हूँ कि बिफोर 5th है इसको मैं आफ्टर 5th कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो आपका इंटरेस्ट है 118.33, ये आपको जून के महीने से मिलेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मई के महीने में आफ्टर 5th में आपने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए का अमाउंट, फिर भी आपको 59.16 का जो इंटरेस्ट है वो मिला है, क्योंकि आपने 5 तारीख के बाद किया है। अगर आपने 5 तारीख से पहले किया होता तो आपको इसी महीने में मिला होता वो वाला इंटरेस्ट, तो आपको जून से मिलेगा क्योंकि आपने 5 तारीख के बाद किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्तों नोट करने की कि PPF में अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट चाहिए तो आपको किसी भी महीने में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 5 तारीख से पहले ही करो। दोस्तों इसको मैं वापस से बिफोर 5th कर देता हूँ। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये तो पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया है, अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका क्या होगा कि ये जो बैलेंस है इसमें आपका ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो ऐड हो गया है दोस्तों। तो आपने 20,000 रुपए का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया और उस 20,000 में आपका ये जो इंटरेस्ट है 1,360 वो आपका ऐड कर दिया गया है और ये आपका टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस हो गया है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम PPF को कहते हैं ईयरली कंपाउंडिंग, क्योंकि साल में आपका मार्च के अंत में आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका बैलेंस है ये अगले साल के बैलेंस के लिए ऐड हो जाएगा और उसी हिसाब से आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है।
दोस्तों इसी हिसाब से हम अपने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अलग से आपके लिए पीपीएफ का एक्सेल कैलकुलेटर का वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताई है कि अगर आप आफ्टर फिफ्थ भी करते हो या फिर अगर आपका इंटरेस्ट रेट भी बदलता है तो किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, पीपीएफ एक्सेल फाइल कैलकुलेटर वाला, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, पीपीएफ में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग होता है, और ये कैलकुलेशन आपके पूरे टेन्योर में यानी कि 15 साल के पीपीएफ के टेन्योर में रिपीट होते रहता है। दोस्तों आपके पीपीएफ के अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली रिव्यू होते रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट डालना पड़ेगा इस एक्सेल फाइल कैलकुलेटर में। दोस्तों ये पीपीएफ का एक्सेल फाइल कैलकुलेटर का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपके लिए एक फ्री एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है फिनकेल्सी, ये भी बनाया हुआ है, जो कि आपको मदद करेगा आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में आपके पीपीएफ के अकाउंट में। तो आप इस एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, आप इस ऐप को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से आप ये फ्री एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अब हम देखते हैं ELSS म्यूचुअल फंड का एक्सेल फाइल कैलकुलेटर, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर ELSS म्यूचुअल फंड लूंगा। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया हुआ है, मैं किसी भी तरह इस म्यूचुअल फंड को एंडोर्स नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज किया है ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊं कि आपके ELSS म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं, ये जो है ये मंथ्स का लेबल डिफाइन किया हुआ है। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिसंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक का जो नेव है दोस्तों, जो रेट है म्यूचुअल फंड का, वो हम लेंगे, और अमाउंट जो है दोस्तों हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो हम ELSS के म्यूचुअल फंड में डालेंगे दोस्तों, और उसके हिसाब से हमारा कितना रिटर्न्स होता है एक साल में वो हम चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे यूनिट्स का लेबल है, तो यहाँ पे पूरा यूनिट जो है आपको हर महीने जो आप डिपॉजिट करोगे उसके हिसाब से आपको कितना यूनिट्स मिलता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये वाला ELSS का म्यूचुअल फंड लिया है, जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं किसी भी तरह इस म्यूचुअल फंड को, इस ELSS की स्कीम को मैं एंडोर्स नहीं करता दोस्तों, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इस म्यूचुअल फंड को ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपका रिटर्न जो है ELSS के म्यूचुअल फंड में, अगर आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस का जो सेक्शन है यहाँ पे, इसका जो नेव है वो हम ट्रैक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा अमाउंट है, हम अज्यूम करते हैं कि हर महीने आप 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते जाओगे ELSS की स्कीम में, तो साल में आपका 1,20,000 रुपए का अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है दोस्तों। अब इसी हिसाब से हमें रेट जो कि नेव है ये भी ट्रैक करना होगा। नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू, ये हर एक म्यूचुअल फंड के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि किस दिन में आपको किस नेव पे आपको यूनिट्स मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको नेव जानना है एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए, तो आप इस ग्राफ में चेक कर सकते हो कि कौन से डेट के लिए कितना नेव है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 24th दिसंबर 2019 यहां से स्टार्ट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड का जो नेव है वो ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ का जो नेव है यहां पे, जैसे आपको दिख रहा है ये है 1545.18, तो हम यही वैल्यू यहां पे डालेंगे 1545.18। तो दोस्तों इसी तरह हम हर महीने की 24 तारीख को कितना नेव है वो हम ट्रैक कर लेते हैं दोस्तों। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे आपका नेव आएगा 24th जनवरी को 1584.96। तो दोस्तों इसी तरह मैं क्या करूंगा कि बाकी के महीने के लिए भी नेव जो है वो जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो रेट है, ये जो नेव का वैल्यू है, ये दिसंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक डाल दिया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हर महीने की 24 तारीख को आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ये पर्टिकुलर रेट या फिर ये पर्टिकुलर नेव के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलेंगे। अब यूनिट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा दोस्तों कि आपका जो अमाउंट है हम उस अमाउंट को लेंगे और उस चीज को हम डिवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर नेव के वैल्यू से, तो जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका होगा टोटल यूनिट्स उस पर्टिकुलर महीने के लिए। तो इसी हिसाब से, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम इस चीज को एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको हर महीने ऐसे यूनिट्स मिले हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये सारे यूनिट्स को हम सम कर देंगे, तो हम अपना फॉर्मूला यूज करके
हमने ऑटोसम का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो आपको जो टोटल यूनिट्स मिले हैं दोस्तों वो है 84.125627। तो इतने यूनिट्स आपको मिले हैं। एक साल में आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 1,20,000 रुपए का आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है। वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे ऑटोसम करके दिखा देता हूँ। तो आपने 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बता देता हूँ कि ELSS म्यूचुअल फंड को अगर आप बेचना चाहो, ये सिनेरियो जो है दोस्तों ये हमने एक साल का लिया है, तो ये वैलिड सिनेरियो तो नहीं है कि हम एक साल में अपना ELSS का जो म्यूचुअल फंड है वो बेच तो नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉक्ड इन पीरियड जो है इसका 3 साल का होता है। तो 3 साल से पहले आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट के जो यूनिट्स हैं उसको आप बेच नहीं सकते दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि 3 साल के बाद अगर आप इसको बेचना चाहो, ये जो आपके यूनिट्स हैं अगर आप इनको बेचना चाहो तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना कि आप एक साल में नहीं बेच सकते, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर इसमें समझा रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों कि जब आप रिडीम करने जाते हो तो आपका जो टोटल यूनिट्स है, जितना आप यूनिट्स बेचना चाहो आप उतना बेच सकते हो, लेकिन जब आप रिडीम करते हो तो उस समय उस म्यूचुअल फंड का नेव कितना चल रहा है वो देखा जाता है दोस्तों। तो समझो अगर आपने नवंबर के महीने में उस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहा तो आपका जो नेव चल रहा है वो चल रहा है 1652.67। तो दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये वाला नेव ही ले लेता हूँ जो कि 24 नवंबर 2020 का है। तो इस नेव को क्या करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करेंगे अपने यूनिट से ताकि हमको टोटल अमाउंट मिले कि कितना आपका रिडेम्पशन अमाउंट होता है। तो हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे आपका जो टोटल यूनिट्स है उससे, जो कि है 84.125627 वाला वैल्यू। तो दोस्तों जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ आपको ये जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों वो आपका टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है। तो दोस्तों अगर हम डिफरेंस देखें तो ये जो है 1,39,031.9 रुपीस का है। तो आपका जो ऊपर का अमाउंट है वो आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें से आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हम निकाल देते हैं। तो हम माइनस करेंगे 1,20,000 को, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों 19,031, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम हर महीने का जो ये नेव है ये हम कैलकुलेट करेंगे और यूनिट्स देखेंगे हम कि हर महीने हमें कितना यूनिट्स मिला है और हमारा टोटल एक्यूमुलेटेड यूनिट्स कितना है, और उसी हिसाब से जब हम इस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहें तो उस पर्टिकुलर नेव को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे यूनिट से जितना हम बेचना चाहते हैं, और जो हमें अमाउंट मिलेगा वो हमारा टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा दोस्तों ये तो मैंने आपको जो अमाउंट डिपॉजिट किया है ये SIP के जरिए बताया हुआ है, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि आपको इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों, कंपेयर टू जो आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि SIP के जरिए आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि हमें PPF चूज करना चाहिए या ELSS चूज करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी समझाते आ रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली आपके गोल पे डिपेंड होना चाहिए कि आपको PPF को चूज करना है या ELSS को चूज करना है। PPF जो कि एक गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम है आपको गारंटीड रिटर्न्स देंगी, और दूसरी तरफ ELSS जिसके रिटर्न्स मार्केट रिलेटेड होते हैं ये थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि आपको आराम से 10 से लेकर 12% तक का रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, यानी कि अगर आपका गोल 15 साल या 20 साल तक के लिए है, तो आपको PPF को चूज करना चाहिए क्योंकि ये आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए भी, प्लस आपको ये गारंटीड रिटर्न्स भी देगा। लेकिन अगर आपका गोल मीडियम टर्म गोल है, यानी कि अगर आपका गोल 5 से लेकर 7 साल तक के लिए है, तो आप एक पर्टिकुलर ELSS म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो जो कि आपको मदद करेगा इनकम टैक्स बचाने में भी, प्लस आपको थोड़े से अच्छे रिटर्न्स भी मिल पाएंगे दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर दोनों ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ELSS म्यूचुअल फंड आपको पसंद है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।